राम राम भाई सारे ने। भाई कई दिन हो लिए एक महिला ने सोशल मीडिया पे ऐसा उदमस्तार रखा है, कभी मीडिया कभी सोशल मीडिया कभी लाइव कभी कुछ, इस महिला ने गदर मचा दिया। आज मैं उस महिला को मैं लिख देती थी नेत्री, लेकिन आज तो मैं उस महिला को नेत्री भी नहीं मानती, वो बिल्कुल भी नेत्री के लायक भी नहीं है। मैं तो ये कहती कि वो महिला होने का भी के लायक भी नहीं है, उसने तो वो महिलाओं के नाम पे भी ये कलंक है, हम महिलाओं को भी इसने कलंकित किया है। सोशल मीडिया पे आके जो बकवास करी है ना, मैं तेरे को कहना चाहती, मैंने पहले भी तुझे समझाया था, पहले भी मैंने तेरे को चिताया था, और आज मैं तेरे को लास्ट वार्निंग देने के लिए आई हूं। क्या कह रही थी, क्या क्या बोल रही थी लाइव में, मेरे पास तो वो वीडियो अभी आई है, क्या बोल रही थी, कुछ कुतिया भी लिया मेरे खिलाफ, मेरे मेरे की वीडियो बना बना के फेमस होना चाह रही है, अरे वो मतलब बाढ़ आई हुई है, अरे है हम तो कुतिया भी लिया है या नहीं है, लेकिन तू क्या है, तेरी औकात क्या है, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि तू है क्या चीज। न तो तू एक अच्छी महिला है, न तू एक अच्छी नेता है, न तू एक अच्छी अभिनेता है, मैं तो ये कहती तू महिला के नाम पे भी कलंक है। हम जो काम करते हैं तुझे बताना चाहती हूँ, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मेरी मत लेना, तेरे पीए ने मेरा नंबर मांगा था, अब तक उस फोन की इंतजार में हूं, अब तक आखिर कौन सा बदमाश फोन करेगा, समझ गई। मैं ये कहना चाहती हूँ तेरे जो सलाहकार है ना, वो तेरा बेड़ा गर्क करा के मानेंगे, पहले तो तेरा सलाहकार था वो विभूति, अब तेरा सलाहकार है यो सांगवान, तेरा नाश करवा के मानेंगे, ये तेरे को मैं बताना चाहती हूँ। दूसरी बात, एक बात और तेरे को बताना चाहती हूँ मैं, क्या कह रही थी तू झूठी औरत, एक तरफ से तो तू झूठ कह रही है कि बॉर्डर पर लफंगे बैठे हैं और वहां तो शराब भी बैठे हैं, वहां तो उनको पीने को मिल जाए, मुजरा देखने को मिल जाए, डांस देखने को मिल जाए, और अगले दिन तू बेहुदी, अगले दिन तू मीडिया के सामने अपनी जबान पर तो कायम रहती, औरत की जबान पर तो कायम रहती, अगले दिन तू क्या कह रही है, मैंने तो उन लोगों को कहा है जो लोग मेरी तस्वीर तोड़ने आए, जो मेरे कार्यक्रम में बाधा डालने आए, और उनको तो मैं, और फिर ऊपर से तू क्या कह रही है झूठी औरत, तू क्या कह रही है, मैंने तो कभी गालियां नहीं दी, तेने जब डिप्टी सीएम का प्रोग्राम था, जब तने लियो कहीं उखाड़ लियो कुछ, और अगले दिन तने साले पता नहीं क्या क्या बोलिया, गाली दी थी ना अपने मुंह, और तने अब महिलाओं को क्या कुतिया भी लिया, या गाली नहीं होती, कल एक लड़कों को कह रही है जिन्होंने हिंदुस्तान की मेरी भारत माता की फोटो तोड़ी, वो कमीने कुत्ते हरामजादे, अब पता नहीं तूने क्या क्या कहा, ये गालियां नहीं है क्या, अपने मुंह से कम तू अपनी जबान पे तो कायम रह ले झूठी औरत, अपनी जबान पर कायम रह ले, नहीं तो कल को तू कोई सच्ची भी कुछ बोलेगी ना, लोग तेरे को झूठी समझेंगे। अरे लेकिन तेरे को क्या कह रही थी, क्या कह रही थी, सार के संत नगर में रहती हूँ, और आज ही हो, मैं तेरे को कहना चाहती हूँ, पानीपत के 18 सेक्टर, 13-17 सेक्टर में रहती हूँ पिछले 18 साल से, अपनी बुआ के बारे में पता कर लिए, तेरे जिसे तेरी जिस दिन बदमाशा की तू धमकी दिवाने की सोच रही थी ना, 70 आए 70 गए, समझ गई, किसी की औकात नहीं है, सैम बिखड़ा होगा बात कर ले, ठीक है ना, किसकी किसका फोन करवाओ थी, औकात नहीं है, अब सामने खड़ा होकर बात भी कर ले, और तू क्या करी थी, अगर मैं तो फेमस हूं और मेरे को तो लाखों लोग मेरे व्यू हैं, अरे तेरे व्यू लाखों होंगे करोड़ों होंगे, और हमारे तो 10 भी है ना, तो वो लोग हमें पसंद करते हैं, हमें व्यू की जरूरत नहीं है कि हम कितने लोगों ने देखे, हमें वो जरूरत है कि हमारे काम को कितने लोगों ने पसंद किया। आखिर में तूने अपनी औकात कल दिखा दी मीडिया के सामने, तेरी औकात यही है कि आखिर में न तो तू नेत्री रही, न तू अभिनेत्री रही, न तू एक समाज की बेटी बन पाई, आखिर में जाके तेरी औकात कहां पे आके रुकी, कि मैं सुंदर हूं और देखो मैंने मेकअप नहीं कर रखा, तूने मीडिया के सामने आके तूने अपनी ये सफाई देनी पड़ी, अब देखो मैंने मेकअप नहीं कर रखा, देखो मैं अब मुंह धो लेती हूं, देखो अब मैं ये कर लेती हूं, आखिर में तेरी जो औकात है ना वो यही है, यहां तक ही सीमित है। हमारी वीडियो को लोग देखते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं, तेरी वीडियो को लोग बैठ के देख नहीं सकते, एक बाबू बेटी नहीं देख सकते, एक माँ बेटी नहीं देख सकते, एक माँ बेटा नहीं देख सकते, एक बहन भाई नहीं देख सकते, तो क्या अपने आप में चोरी हो रही है, क्या चोरी हो रही है, किस चीज का घमंड हो रहा है, अगर मेरे पास जमीन है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास फलानी चीज है, तेरे पास जमीन पैसा जो जो कुछ है ना वो तूने ना बना बनाया मिल रहा अपने पति का, मेहनत की जो कमाई होती है ना, मेहनत की जो कमाई वो हमारे से पूछ, ठीक है, और बात सुन ले, तेरे को खुली चेतावनी है, जिस चीज मांगती हो ना उस चीज में आ जा, तेरी खुली चेतावनी है, जिस चीज मांगती हो, मैं कहना नहीं चाहती, तू जिस चीज मांगती हो ना उस चीज में आ जा, तेरे लिए खुली चेतावनी है, और तू क्या कह रही है, मैं अपनी पार्टी की वफादार हूं, 20 साल हो गए मैंने पार्टी में काम करते हुए, तू अपनी पार्टी की सबसे बड़ी दुश्मन है,
क्या पता किसको तू ब्लैकमेल करके तू टिकट ले आई होगी। तू अपनी पार्टी की है ना सबसे बड़ी तू अपनी पार्टी की वो गद्दार है। अगर तू अपनी पार्टी की वफादार हो ना तो तू इस तरह की भाषा ना बोला। अगर तू अपनी पार्टी की वफादार हो ना, अगर तेरे को कार्यक्रम के लिए भी कहे ना पार्टी वाले, तो तू उनको ये कहेगी कि मैं वहां पार्टी को करने जाऊंगी ना तो लोग वहां पे हमारी सरकार को गाड़ देते हैं और मैं नहीं चाहती सरकार को कोई गाड़ी दे। समझ गई? अगर तू अपनी पार्टी की वफादार हो, तू अपनी पार्टी की भी वफादार नहीं, तू एक महिला की वफादार नहीं। तू लाइव में आगे खुद क्या कह रही है कि मैं तो कभी दान ही नहीं करूंगी। अरे हम तो सक्षम बनाए दान करने के लिए, हम तो दान करते हैं करते रहेंगे। हम तो सूते सुबह उठे हैं ना जब हम ये सोचते हैं कोई हमारे बारे में आगे मांगना आवर हम उसमें दे। हम तो ये सोचते हैं कि हमारे बारे तो हम किसी गरीब जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करें। तू अपनी औकात लाई माँ का बता रखी है मैं दान ना करती। हम तो बनाए ही समाज के लिए हैं, हम तो काम ही समाज के लिए करते हैं, हम तो काम ही बेटियों के लिए करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं तेरे को कहना चाहती हूँ, क्या कह रही थी, वहां तक वीडियो पहुंचा देना, उन महिलाओं तक वीडियो पहुंचा देना। मैं ना कहती कोई शेयर करे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि बेबुद्धि औरत क्यों कलंकित कर रही है महिलाओं को। तू महिला के नाम पे भी दब्बा है दब्बा, क्या बोर मारी है तू। मैं सबसे बड़े बिग बॉस में चली गई, बिग बॉस में जाके जो तूने अपनी नौटंकी दिखाई है ना वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। तेरे से पहले हिंदुस्तान की, तेरे से पहले हमारे हरियाणा की एक और बेटी गई थी, एक और बेटी गई थी हमारे हरियाणा की, समझ गई। तेरे से ज्यादा उसके फॉलोअर हैं, तेरे से ज्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन उस महिला ने आज तक किसी के सामने आके ये बोर नहीं मारी मैं इतने बड़े शो में गई हूं। उस महिला ने किसी के सामने आके ये नहीं कहा कि मेरी पहचान उससे हुई, मैं वहां गई हूं, तेरी ये औकात है। और उसने तेरी की तरह वहां जाके नौटंकी नहीं करी जो नौटंकी तन्ने करी है, समझ गई। मैं तेरे को एक बात और कहना चाहती हूं कि तू है ना तो नेता है और ना तो तू नेत्री है ना तू अभिनेत्री है, तू एक नौटंकी बाज है, नौटंकी बाज। और क्या कह रही थी, अगर जब मैं मुकदमा दर्ज करूं अगर मेरे कमेंट्स डिलीट मत करना, और फिर पैर पकड़ते हैं लोग, फिर ये करते हैं लोग। मैं तेरे को कहना चाहती हूं तू मेरे खिलाफ करवा मुकदमा दर्ज, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा। सरकार तेरी, प्रशासन तेरा, सब कुछ तेरा है, तू मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा। मैं चाहती हूँ तू मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा, और मुकदमा दर्ज करवा के सविता आर्य गिरफ्तारी देने आवेगी, पुलिस को सफाई देने नहीं आओगी। गिरफ्तारी देने सफाई देने नहीं आऊंगी, और तेरी औकात बता के आऊंगी। और पुलिस मुझे गिरफ्तार करे और मैं तेरी औकात बताने आऊंगी, और उदन तेरे मुंह मालक मैं हाथ देकर और उदन काट दूंगी, समझ गई। तू क्या करी थी, मुंह मालक मैं हाथ देकर, तू हमने कुतिया में लिया बताओगी, तेरे मुंह में आलक मैं हाथ दे कर उल्टा काट दूंगी। कुतिया बिलियां बताने वाली है ना तू हमने, ठीक है। तू करवा मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज, और मैं जाऊंगी, मैं जेल में जाऊंगी। मैडम बात सुन ले मेरी, कच्ची गोलियां हमने भी ना खेल रखी, कदे न्यू सोचती हो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मत लेना, अपनी बुआ की पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आगे बढ़ना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मत लेना। क्या करी थी, अगर लोग डिलीट कर देते पुलिस को ढूंढने में आसानी नहीं होती जब मुकदमे दर्ज होते हैं। तू तो कहती कहती है तेरी बुआ तो गिरफ्तार करवा कर, तू तो कब है सोशल मीडिया पर आने के मैं न्यू कर दूंगी न्यू कर दूंगी। कितने गिरफ्तार करवा लिए अब मैं बताऊं, मैंने कितने करा लिए। और रही बात कमेंट्स की, तू क्या कहती कमेंट्स डिलीट हो जाए तो ढूंढने में पुलिस ने आसानी नहीं रहती। मेरे तभी लिखा था गलत कमेंट्स, 24 घंटे में मैंने ढूंढ दिया था पुलिस तो पहले, समझ गई। पहले अपनी बुआ के बारे में पता कर लिए कौन हूं, ठीक है। बाद में कुतिया बिलियां कह रही थी ना, हम तो कुतिया बिलियां कौन है, हम तो किसान की बेटियां हैं, और जो बॉर्डर पर बैठी वो किसान की बेटियां जी ने तेरे खिलाफ बोली हैं। जबान ने संभाल कर बात करिए, नहीं तो हम भी कुछ मिनट के लिए अपने संस्कार भूल जाएंगे, ठीक है ना। कृष्ण भगवान ने भी है ना पाप का अंत करने के लिए चक्कर को उठाना पड़ा था, 100 गलतियां शिशुपाल की कृष्ण ने माफ करी थी, याद रखिए, आखिर में वो उठाना पड़ जाएगा, याद रख लिए। बता दिया मैंने त्रेता, अपनी औकात में रहना और औकात में रहकर बात करना। हम कुतिया बिल्लियां पे रहनी है कि नहीं, पर तू क्या है, तेरी औकात पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा हिंदुस्तान। और हिम्मत है ना तो सेक्टर 13-17 में रहती हूं, भेज अपने गुंडे, भेज अपने बदमाश, भेज तेरे जो भेजा जाता हो, और कर मेरे खिलाफ FIR, कर मेरे ऊपर मान आनी। मैं देखती हूँ किसी चीज में आजिए बेबे, तेरी खुली छूट है, किसी चीज में आजिए, किसी भी चीज में आजिए, सिफारिश में आजिए, बदमाशी में आजिए, तू किसी चीज में तेरे तेरे किट पे जोड़े हैं, तेरे जो करना तू वो कर ले,
तेरे कति किड़ पै जोड़े हैं, तेरे पास जो होता ना तू वो कर ले, तेरे पास जो होता वो कर ले, तेरे कति किड़ पै जोड़े हैं। ठीक है,